जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा, इस व्रत को करने से रोगी और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंदिया को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र का व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन ध्यान से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सगवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्र का व्रत कथा का श्रवण करे। हे ऋषि, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वह उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल खेल में भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधीन प्रदीप्त कर देते हैं। इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चले गए और डरावने विषयुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। पिता की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म सुनाती हूँ तो सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको
और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन सुनकर उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न ही मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मा, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो 1 समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ कर घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांडगी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाग और कदम आदि से हवन करें। से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति, बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाकों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, ये संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी का व्रत की तिथि की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति भाव पूर्ण करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। ब्रह्मा जी से कहने लगे,
कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र का व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। व्रत की विधि प्रातः नित्य क्रम से निर्वृत हो स्नान कर मंदिर में या घर पर नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रार्थना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो उसे क्षमा कीजिए तथा प्रसन्न होजिए। जाप इम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार या सुविधा अनुसार जाप करें। बोलो जय माता दी।